लो भाई फाइनली अपने घर में आ गया है क्यूट बेबी बॉय। मामा बन गया हूँ भाई मैं। अरिया मेरी बेबे भाई मेरे तो समझाते हुए कि सचिन तेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, थोड़ा समझदार हो जा। मगान जी बहन जी ठीक है, और व्लॉग को करते हैं बस स्टार्ट। उसके बाद बताते हैं क्यों करके होया, क्या मैटर था क्या नहीं था भाई। और मैं सो लाग रहा था यार, थारी भाभी मेरा हमेशा सोते हुए व्लॉग बनाओगी, कदे भी नॉर्मल नहीं बना, बहुत तेज है। कोई बात ना, हम भी उठ गए थे भाई, उठ आठ के मगर चलो बाहर जाके देखते हैं मौसम कैसा है कैसा नहीं है। बाहर आके देखा मौसम हो रहा था बढ़िया बरसात का, मगर ओए काले बादल हैं, मगर बरसात होएगी बहुत ज़ोरों की। मैं चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भाई मैं चले गया था दुकान पर, एक पेप्सी ले आया। मगर सुबह सुबह पीनी चाहिए, अच्छी बात है, बाकी नहीं पीनी चाहिए भाई, ठीक है। और भाई फिर आ गए थे बेबेर जीजा डॉक्टर के तय चेकअप करा के। मगर हाँ पूजा के बताया, फिर इसने बताई भाई टाइम दे रखा है 2-3 दिन का और। मगर अच्छा चलो कोई बात ना भाई, मैं फिर मगा लो रोटी राटी की तैयारी कर लो, भीतर आ गए तेरी भाभी तक ही। मगा भाई रोटी राटी की तैयारी कर, जीजा थी पूजा थी ये लागे थे भाई रोटियाँ की तैयारी में। मगा ठीक है, इतने मैं थोड़ी देर जीजा दौरे जाकर बैठ जाऊँ, बतला लूँ पूछ लूँ के रे के बोले डॉक्टर के नहीं भाई। अरे डॉक्टर का ही फ़ोन आ रहा था, डॉक्टर तो बात कर लाग रहे थे कि भाई डिलीवरी आज करवा दो, डॉक्टर 2-3 दिन का टाइम दे थे। फिर उसके बाद आ गया था भाई जीजा थी खाना, जीजा लागे थे रोटी खाण, बढ़िया एक नंबर की सब्जी बना रखी थी परमठे। और फिर आ गए थे भाई पापा, तो पापा ही पूछ लगे थे कि हाँ बेटा के रहे के नहीं, डॉक्टर तक के बताया तो नू जीजा बताओ थे। उसके बाद भाई अपने लग गई थी भूख, मगा फटाफट मेरी ती भी रोटी गाल दो, मैंने भी भाई अपनी परमठे चावल लेकर अपनी रोटी खानी शुरू कर दी। उसके बाद मैं वर्णिका का चोर ले आया केक, केक ना भाई वो है ब्राउनी, हाँ ब्राउनी ठा लाया था। और मैडम मेरे तो रही थी रूस में, के हिसाब किताब करे थी कीमत करे थी भाई, मेरे तो रूस रही थी। मैं कोई बात नहीं मैडम जी रूसे रहो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई अपने भोले बाबा जय भोले शंकर की। यार भाई फिर मैं चल पड़ा था खेत की तरफ, हो गया था शाम का टाइम, हम चल पड़े थे खेत की तरफ, खेत में घूमने बढ़िया नज़ारे लेते हुए अपनी स्कूटी पे मैं पहुंच गया था खेत में। और खेत में पहुंच के भाई पहला करे अपने दादा के दर्शन, हाथ जोड़ के, उसके बाद लिए थोड़े नज़ारे अपने खेत के, देखा के है के नहीं है, क्या मैटर चल रहा है। उसके बाद भाई स्कूटी ठाकर मैं लिया उल्टा घर की तरफ, मैं कहा चलो अपने घर की तरफ भाई। फिर यार देखो कितनी प्यारी, ये बहुत ही अच्छी कावड़ान लग रही थी, इसमें भोले बाबा की मूर्ति बहुत ही प्यारी कावड़ थी भाई। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, घर आके देखा था मैडम जी की ट्यूशन क्लासेस चल रही थी, मगर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भाई मैं हो गया थोड़ा बिजी तो मैं वो लोग नहीं बना पाया। फिर उसके बाद रात का टाइम हो गया था तो भाई मैं चला गया था अमृतसर पर रोटी लेने थी, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर की, ठीक है। तो मैं मेसी रोटी और बढ़िया शाही पनीर कती तड़कता फड़कता ऑर्डर दे दिया था, और ले गया भाई अपना ऑर्डर पहुंच गया घर ने, घर ना आकर बढ़िया मेसी रोटी शाही पनीर खा के। और भाई मैं गया था लौट अपनी वेब सीरीज़ देखूँ था, मगर लो इतने वेब सीरीज़ देख लेते हैं। इतनी देर में फ़ोन आता है सीधा हॉस्पिटल में, तो रात ने 1 बजे कि कॉन्ग्रेचुलेसन मामा बन गया तू। मैं कहो फिर भाई मैं फटाफट गाड़ी ले गए और मम्मी ने ले गए और वनू ने ले गए, पहुँचा सीधा हॉस्पिटल में। मेरी मौसी है, वनू है या बेबे है, जीजा है, जीजा के भाई हैं, जीजा के दोस्त सारे आ रहे थे कती, तो भाई मैं व्लॉग ज़्यादा कर नहीं पाया। सीधा हॉस्पिटल में पहुँचे हम फटाफट, क्योंकि एकदम इतनी खुशी हुई कि समझ ना आया व्लॉग भी करना है। अरे यार पूजा मैंने समझा लग रही थी कि समझदार हो जाए, ईब तेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है। मैं कहा हाँ जी बहन जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है। अरे यो मेरा प्यारा सा भाणजा भाई।